एवान, तुम्हें उस कोने से बाएं मुड़ना था। चलो फिर से करते हैं। आज सैम का जन्मदिन है, पर वो काफी गंभीर लग रहा है। उसका जन्मदिन और लियो के साथ मैच एक ही दिन हो गया है, क्या करें? ऐसे में उसे थोड़ा आराम करना चाहिए। दोस्तों इधर आओ। आ गया, वो आ गया। सैम यहीं आ रहा है, वो भी अभी। बहुत अच्छे, जब सैम यहाँ आएगा उसके चेहरे पर ये केक फेंक देंगे। इससे वो जल्दी खुश हो जाएगा। हैप्पी बर्थडे सैम। अरे ये तो सिड है। ये क्या हुआ? मैं यहाँ छुप जाती हूँ और जब सैम बॉक्स खोलेगा, टडा! बहुत सही, शानदार। देखो वो आ रहा है। सैम को जरूर आश्चर्य होगा, है ना? आयशा बाहर क्यों नहीं आ रही है वीर? ये क्या हो रहा है? क्या सही समय आ गया है? ये तो गलत हो रहा है। आयशा, जन्मदिन मुबारक हो सैम। ये क्या हो रहा है? आयशा, 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 ये तीनों कर क्या रहे हैं? मैंने स्नो चेन लगा दी है, अगर लकी बर्फीली सड़क बनाता है तो भी वन फिसलेगा नहीं। धन्यवाद, ये मैच में बहुत काम आएगा। ऐसा मत कहो, तुम्हारे लिए कुछ भी। लेकिन सैम, लकी अब बहुत ताकतवर हो गया है, वो लीग में एक भी बार नहीं हारा है। हाँ पता है। लगन से जुटे रहना और बाजी जीत जाना, कैसा लगा ये? हाँ हाँ बिल्कुल, लकी को अब पुरानी बातें भूलनी होगी। ये शायद सही मौका है गलत फहमियां मिटाने का। जोश से भरे इस मैदान में मैं बुलाता हूँ हमारा जाबाज खिलाड़ी एवान। बैटल मोड ऑन। वॉच कार जो किसी को भी बर्फ बना दे, एक अविश्वसनीय वॉच कार फ्रॉन। बैटल मोड ऑन। थोड़ा डरा हुआ लग रहा है ना? हाँ सही कहा, अगर वो इसी तरह पुरानी बातें सोचता रहा तो उसके लिए मुश्किल हो जाएगी। बर्फ का आँख से मुकाबला, मजा आएगा। ये तो कुछ भी नहीं है, मैं चाहूँ तो इनको चुटकी में हरा दूँ। ये बहुत ही रोमांचक मैच होने वाला है, मुझे यकीन है, क्योंकि ये बर्फ और आग के बीच की लड़ाई है। दोस्तों क्या आग बर्फ को पिघला देगी या फिर बर्फ आग को जमा देगी? आप इस सत्र का सबसे बेहतरीन मैच देख रहे हैं, तैयार हो जाइए वो देखने के लिए जो आपने कभी नहीं देखा। दोस्तों दिल थाम के बैठिए। मैंने इस दिन का बहुत इंतजार किया है और आज तुम मुझसे नहीं बच पाओगे सैम। मुझे तुम्हारी गलत फहमियों से कोई मतलब नहीं, मैं बहुत ध्यान से खेलूंगा और तुम्हें हरा दूंगा। युद्ध शुरू किया जाए। मैं तुम्हें अपने गुस्से की असली ताकत दिखाता हूँ। फ्रोन हमला करो।
तुम्हें पता है ऐसा गुस्सा तुम्हें कमजोर बनाएगा। स्टील कैनन बॉल आक्रमण। तुम्हें सच में लगता है इससे मेरा कुछ बिगड़ेगा? फ्रॉस्ट बीम आक्रमण। तुम बड़े कमजोर निकले, अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ बर्फ की असली ताकत। फ्रॉस्ट बीम आक्रमण। हाँ, इसमें इतनी ताकत कैसे? ये तो बिल्कुल बदल गया है। हाँ, फ्रोन अब वो पुराना कमजोर सनी नहीं रहा, ये अब बर्फीले तूफान का मास्टर है। फ्रोन क्रिस्टल लेजर आक्रमण। एवान, अपना कमाल दिखाओ। मरने के लिए तैयार हो जाओ एवान। क्रिस्टल लेजर आक्रमण। एवान, हे भगवान, ये तो गजब है। एवान को तो जमा ही दिया। ओ, सचमुच अद्भुत प्रदर्शन। एवान बर्फ में फंस गया है। एवान, हे भगवान, एवान तो पूरी तरह जम रहा है। तापमान ज्यादा गिरने की वजह से वो अपनी ताकत खो रहा है। अब ये हार जीत की बात नहीं है। अगर वो नहीं निकल पाया तो उसका एआई हमेशा के लिए नष्ट हो जाएगा। दोस्तों, एवान, तुम इससे निकल सकते हो, चलो कोशिश करो। कोई फायदा नहीं, वो उस बर्फीले पत्थर से नहीं निकल पाएगा, कभी नहीं। एवान इतनी जल्दी कमजोर नहीं पड़ सकता है। सारी शक्ति लगा दो। बॉडी हीटिंग शुरू। बर्फ से निकलने में कामयाब हो गया। क्या ये बर्फ से कैसे निकल गया? अब ठीक है, असली लड़ाई तो अब शुरू होगी। स्टील कैनन बॉल आक्रमण। ये क्या कर रहे हो? हमला करो, चलो अभी हमला करो। सैम, ये मत समझो कि सब खत्म हो गया है। अब मैं तुम्हें इवान की असली ताकत दिखाता हूँ। पावर कॉइन, पावर कॉइन फ्राई। आइस बोर्ड आक्रमण। फायरबर्ड आक्रमण। दोस्तों, बिना किसी शक के विजेता है सैम और एवान। वाह, ये था आज तक का सबसे बेहतरीन युद्ध। अरे नहीं,
सैम, आज तुमने मुझे सबक सिखा दिया है। मैं अब कभी बीते वक्त के बारे में नहीं सोचूंगा। लकी, तुम दिल से बहुत अच्छे हो। अब तुम पहले जैसे कमजोर बच्चे नहीं रहे। हाँ, मैं अब खुल के बहुत दोस्त बनाऊंगा, मैं वादा करता हूँ। अगर ऐसा है तो तुम्हारा पहला दोस्त मैं बन सकता हूँ? क्यों नहीं मेरे दोस्त।